मैं बड़े आदमी तो है नहीं हूँ कि किसी से पैसे से खरीद लूँ। किसी का दिल कोई दुनिया में पैसे से नहीं खरीद सकता, खरीद सकता है तो सिर्फ गद्दारों का। गद्दारों का दिल खरीद सकता है पैसे से, ईमानदारों को कोई दुनिया में खरीदने वाला ना है ना होगा। हम ये देखिए पब्लिक के लिए काम करते हैं, पब्लिक का सवाल होता है कि नेता लोग जब बन जाते हैं पहले तो अपने आप को गरीब बताते हैं कि हम गरीब हैं और गरीबों के लिए काम करेंगे, उनको रोजगार दिलवाएंगे, उनके लिए अच्छी सड़कें देंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे। लेकिन जैसे ही विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, फिर पहले तो चुनाव के पहले हाथ खुद जोड़ते हैं और उसके बाद हमसे खुद हाथ जोड़वाते हैं। जनता की गरीब बेटियों की शादियों में मदद करना, ये समाजवादी पार्टी करती रही है और ये मैं भी करता रहा। मेरा भी 10 साल से जो है मैंने अपनी ज़मीन बेच के गरीब असहाय लोगों की मदद की और करता रहा और करता रहूँगा। जनता ने इस बार ठान लिया है कि समाजवादी पार्टी का विधायक राजनगर विधानसभा से बनाना तय है, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है। जब जनता चुनाव लड़ती है तब किसी की कोई दवाई नहीं चलती है। अभी आपने पहले वीडियो में देखा होगा, हमने बिजावर विधानसभा का एक वीडियो आपको दिखाया था जहां पर रेखा यादव ने अपना पर्चा वापस ले लिया और समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर चली गई, वो भी 2 दिन प्रचार करने के बाद भी। आप वो खबर देखे थे? जी हाँ, देखी है खबर मैंने। ऐसा क्या आपको लगता है कि ऐसा उन्होंने क्या किया? ये गलत किया, घोर गलत है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जो ऐसा पार्टी को धोखा दे, अरे पार्टी को धोखा ही देना था तो चुनाव काय के लिए टिकट ले रहे हैं, काय के लिए चुनाव लड़ रहे, ये धोखा है। 2 दिन उन्होंने प्रचार किया, पहले मनोज यादव को टिकट दिया जाता है, फिर उनका टिकट कैंसिल करके इनको दिया जाता है, उसके बाद ये 2 दिन प्रचार करती हैं। ऐसा क्या हुआ वहाँ पर कि उन्होंने पर्चा वापस ले लिया? हालांकि ये उनसे हम लोगों ने उनसे बात करना चाहा लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिली, नहीं तो उससे बात किया होता। आप भी यहाँ विधायक लड़ रहे हैं और काफ़ी दूर नहीं है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? हाँ, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है, ये पता नहीं है मुझे। ये बार पता है कि जब फार्म वापस लिया तो कुछ ना कुछ वजह होगी, कुछ ना कुछ वजह होगी। अब ये तो वजह वो प्रत्याशी ही जानेगा, ये वजह मुझे पता नहीं है। उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसे लेके कांग्रेस में शामिल हो गई, ये तो कुछ ना कुछ वजह तो होगी, ये तो तय है। क्या ये तो तय है, कुछ ना कुछ वजह होगी। जैसे मैं राजनगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ समाजवादी पार्टी से, तो मेरे पास भी कई लोगों के फोन आए कि आप जो है फार्म वापस ले लो या दबाव बनाया। तो मैं किसी से दबा नहीं हूँ, ना झुका हूँ, ना बेका हूँ, ना दबा हूँ। ये प्रत्याशी को खुद तय करना पड़ता है, यदि चुनाव लड़ना है विधानसभा का और ये दब के लड़ना है तो काय के लिए चुनाव के लिए तैयारी करते हैं। तो मैं तो 10 साल से तैयारी करता रहा, मेरा तो तन मान धन सर्वस्व समर्पण है जनता के प्रति। और जनता ने इस बार ठान लिया है कि समाजवादी पार्टी का विधायक राजनगर विधानसभा से बनाना तय है, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है। जब जनता चुनाव लड़ती है तब किसी की कोई दवाई नहीं चलती है। अभी वर्तमान में विधायक यहाँ से विक्रम सिंह जी हैं और आप अभी पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का। जी हाँ, तो आप अगर विधायक यहाँ के बन जाते हैं तो समाज और जनता के लिए आपका पहला काम क्या रहेगा? पहला काम जातिगत जनगणना जनता के लिए और जनता की गरीब बेटियों की शादियों में मदद करना, ये समाजवादी पार्टी करती रही है और ये मैं भी करता रहा। मेरा भी 10 साल से जो है मैंने अपनी ज़मीन बेच के गरीब असहाय लोगों की मदद की और करता रहा और करता रहूँगा। जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक गरीब लोगों की मदद करता रहूँगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप भी जब विधायक बन जाएं तो लोगों की बातें ना सुने अन्य विधायकों की तरह। नहीं नहीं, इसका प्रमाण तो जनता जानती है, ये किसी के दिल का प्रमाण कोई दे नहीं सकता। और ये मेरा प्रमाण तो सच्चाई का, जो सच्चे लोग होते हैं वो जानते हैं और जो कच्चे होते हैं वो कभी नहीं जानते। ये प्रमाण मेरे पास, मेरा रिजल्ट, मेरा चुनाव, जैसे कि मैंने अपने बालक को चुनाव लड़वाया, जनता को विश्वास था इसलिए उसी विश्वास को लेकर मैं विधानसभा में आया और 24,000 मतदाताओं ने मुझे मतदान किए। उसी मतदाताओं के आधार पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे टिकट दी, प्रत्याशी बनाया। और उसी 24,000 मतदाताओं के हाथ में है आगे का विधानसभा का निर्णय लेना कि क्या जिताना है कि हराना है, वो जनता ही जानेगी। ये तय मैं नहीं कर सकता कुछ। देखिए हम ये देखिए पब्लिक के लिए काम करते हैं, पब्लिक का सवाल होता है कि नेता लोग जब बन जाते हैं पहले तो अपने आप को गरीब बताते हैं कि हम गरीब हैं और गरीबों के लिए काम करेंगे, उनको रोजगार दिलवाएंगे, उनके लिए अच्छी सड़कें देंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे। लेकिन जैसे ही विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, फिर पहले तो चुनाव के पहले हाथ खुद जोड़ते हैं और उसके बाद हमसे खुद हाथ जोड़वाते हैं। जी हाँ, जनता को राजा बनाना आता है तो जनता को धूल चटाना भी आता है, ये जनता तय करेगी। जनता जब राजा बनाती है किसी को तो जनता ही धूल चटाती है किसी को, ये बिल्कुल तय है। और जो भी वादा करके मुकर जाते हैं तो वो भोगते हैं। अच्छा, अपना मोबाइल बंद कर दीजिए।
किसका बज रहा है? बता दीजिए बस। हाँ भैया, बस अभी आ रहे हैं, आते हैं अभी। अरे तो पहले से किसी ने बताया नहीं है, अब क्या होगा भाई कार से? रुक दीजिए। ठीक नेताजी, जब नेताजी जब हमने आपके विधानसभा में सभा में घुसा यहाँ पे, तो हमने कुछ लोगों से जानकारी लेना चाहा कि आखिर ये जो बबलू पटेल जी हैं कैसे व्यक्ति हैं। तो आपके बारे में बड़ी बड़ाई लोग कर रहे थे कि आप विधायक नहीं हैं फिर भी लोगों की मदद करते हैं, क्या ये बात सही है कि लोगों को कहा गया है कि ऐसा बोलिएगा अगर कोई पूछे तो? नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा किसी से नहीं कहा। और ये आप जब आप गाँव जाओगे तो आपको प्रत्येक गाँव में मिल जाएगा। मैं बड़े आदमी तो है नहीं हूँ कि किसी से पैसे से खरीद लूँ। किसी का दिल कोई दुनिया में पैसे से नहीं खरीद सकता। खरीद सकता है तो सिर्फ गद्दारों का दिल खरीद सकता है पैसे से। ईमानदारों को कोई दुनिया में खरीदने वाला ना है ना होगा। तो क्या बबलू ब्रिज गोपाल जी ऐसे रहेंगे पब्लिक के बीच में भी आज जैसे हैं? हाँ, ऐसा ही मेरा मानना है। और हाँ ऐसा मेरा मानना है कि मैं ईमानदारी से चलूंगा और काम करूंगा। यदि गद्दारी करूंगा तो निश्चित ये कलयुग है। आपने देखा है कहीं ना कहीं बिना मालिक के इशारे से पत्ता नहीं हिलता। लोग कहते हैं कि हम अपनी दम से चलते हैं, कोई नहीं चलता अपनी दम से। यदि अपनी दम से चलता होता तो प्रतिदिन आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। क्यों होते आए दिन? आपने देखा है अस्पताल में एक से एक कैंसर पीड़ित लोग पड़े हैं, कई बीमारियों के लोग पड़े हुए हैं। यदि अपनी मर्जी से होता तो कह देते कि मुझे बीमारी मत आ। तो क्यों आती है बीमारी? ये मुझे पता है, ये कलयुग है, जो करेगा वो भरेगा। आप विधायक अगर बन जाते हैं तो पहला काम क्या रहेगा पब्लिक के लिए? पहला काम है बेटियों की शादियों में मदद करना। जैसे मेरा संकल्प है कि 108 अनाथ बेटियों की शादी करूंगा, तब इसके बाद जो है और आगे कुछ काम करूंगा। क्या इससे पहले आप ऐसा काम किए हैं, किसी की शादी करवाएं? हाँ हाँ हाँ, कई बेटियों की शादी करवा चुका हूँ। हम पूछेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गाँव में जाके जनता से पूछिए। मेरे गाँव में जहाँ मेरी जन्मभूमि खजवा। हमारा काम यही कि जो आप बोलेंगे हम जनता तक पहुंचाएंगे और उसको उसकी जानकारी लेंगे। क्या आप विधायक जी ये बात सही बता रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, आप जनता से पूछिए, जनता से जाके एक शब्द पूछिए। यदि मेरी कोई झूठ बात निकले तो जो किसी का ना हो वो मेरा हो। तो अंत में आप जनता के लिए जो आपको देख रहे हैं और अपने विधानसभा के जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा प्रार्थना है मेरी कि 17 नवंबर को जो ये अमूल मतदान आपको करना है वो दान के जो पात्र हो उसको दान देना। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मुझे दो, जो आपके नज़रों में सही दान के पात्र हो उसको मतदान करना। अमूल दान है और ये कीमती दान है, इसको दान के पात्र लोगों को ही मतदान करना चाहिए जनता को। ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है जनता से। क्योंकि देखिए जो लोग भी अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको जनता के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जनता खुद जानती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वीडियो को देखकर अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ब्रिज गोपाल बबलू पटेल के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और हमारा यही प्रयास है कि अगर इतने ईमानदार और इतने सच्चे विधायक ये बनकर आ जाते हैं आप लोगों के बीच में तो हो सकता है कुछ आप लोगों के लिए नया काम हो जाए। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।